गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वकेैबलरी की शुरुआत करते हैं वकैबलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वकेबलरी की आज की वकेबलरी का पहला वर्ड है अनोमलस एनॉमलस यहाँ पे जेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो अपनी सामान्य स्थिति से अलग हो भिन्न हो अलग होना बेमेल होना या फिर असंगत होना उसे बोला जाता है इंग्लिश में एनोमल समथिंग दैट इज एनोमल इज डिफरेंट फ्रॉम वट इज यूजल और एक्सपेक्टेड दैट इज कॉल्ड अगला शब्द है सोवन टी सोवन टी यहां पर नाउन की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी देश की किसी भी राष्ट्र की अपने आप शासन चलाने की शक्ति जिसे हम बोलते हैं प्रभुता या संप्रभुता और उसे इंग्लिश में बोला जाता है सोवन

इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो तबाही लाने वाली हो विनाशकारी हो उसे बोला जाता है कैटास्ट्रोफिक समथिंग दैट इज कैटास्ट्रोफिक इन्वॉल्व्स और कॉजेस अ सडन टेरिबल डिजास्टर दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफिक नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट मिटिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी समस्या की कोई भी कठिनाई है उसकी सीरियसनेस को उसकी गंभीरता को कम कर देना उसे बोला जाता है इंग्लिश में मिटिगेट की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी काम का परिणाम फलिया नतीजा आना या होना कॉन्सिक्वेंसिस होना इफेक्ट होना उसको बोला जा रहा है कॉन्सिक्वेंस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग आर द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ इट दट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस नेक्स्ट वर्ड है इलेवेंथ आर इलेवंथ आर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है कोई भी काम अपने किसी भी काम को अंतिम क्षणों में करना अंतिम समय में अंतिम क्षणों में उसे बोला जाता है इलेवेंथ आर ये वर्ड हमने और में भी डिस्कस कर लिया है यदि आपने ईडियम्स और फ्रेजेस वाला वीडियो देखा हो इफ द समलेवंथ आर दे डू इट एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट दैट इज कॉल्ड इलेवंथ आर नेक्स्ट वर्ड है एक्सजरेटेड एग्जाजरेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है कोई भी किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा होना या हम बोल सकते हैं किसी चीज का किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना उसे बोला जाता है इंग्लिश में एक्टेड समथिंग दैट इज एक्टेड इज इज और सीम लार्जर बेटर वर्ड्स और मोर इंपॉर्टेंट देन इट एक्चुअली नीड्स टू बी दैट इज कॉल्ड एग्जाजरेटेड नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेंशियस contentious यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो विवादों से भरी हो विवादपूर्ण हो या विवादग्रस्त हो उसे बोला जाता है contentious अ contentious इशू कॉजेस अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट और arguments दैट इज कॉल्ड contentious नेक्स्ट वर्ड है apprehension apprehension यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है किसी बात के होने की आशंका होना डर होना या किसी तरह का भय होना

और आज की वैकैबलरी का अंतिम शब्द है जेक्सटोजोज यहां पे वर्ग की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच अंतर दिखाने के लिए उनको साथ में रखना उसे बोला जाता है आज तो की वैकबलरी का अंतिम शब्द था यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो इन्फोर्मेटिव लगा हो आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वकेबरी में इतना ही थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग